हे बड़े गुरु, शाओलिन मंदिर के इतिहास में सबसे अहम प्रतियोगिता 8 महीने में है। हमें चैंग से बेहतर योद्धा नहीं मिला है, पर चैंग पिछले साल हार चुका है। हम चाइना के चारों दिशाओं से लोगों को लाकर शिक्षा दे रहे हैं, पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमें शाओलिन के रक्षक को ढूंढना होगा। हम आपके मार्गदर्शन के लिए विनती करते हैं। आपका हार। हमला कर रहे हो? भीम ने आपकी मदद की और उसी पे हमला कर रहे हो? मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा नाम मिंग है और मैं शाओलिन मंदिर कुंग फू के सबसे महान विद्यालय से हूँ। शाओलिन? वो तो चाइना में है। शाओलिन का रक्षक चाइना में नहीं बल्कि बुद्ध के जन्म स्थान भारत में होगा, लेकिन वो तभी शाओलिन की मदद कर पाएगा जब वो कुंग फू को पूरी तरह से समझेगा। पर बड़े गुरु, कहा तो ये गया है कि रक्षक हमें बचाएगा। नहीं, रक्षक हमें बचा सकता है, पर बचा पाएगा या नहीं सिर्फ समय ही बता सकता है। यदि आप आदेश दें तो हम एक दल भारत भेजें। मिंग, ये छोटा मॉन्ग हमारे रक्षक का सहचर है और इसे अकेले भारत जाना होगा। जब रक्षक इस हार को छुएगा तब हार एक संकेत देगा। जब भीम ने हार को पकड़ा तो उसमें वही चमक थी जो बड़े गुरु ने हमें दिखाई थी। इस वजह से भीम ही हमारा रक्षक है। अगर तुम मुझे पहले से जानते हो तो मुझ पर हमला क्यों किया? वो ये जानने के लिए कि रक्षक अपने आप को बचा सकता है या नहीं। शाओलिन की महानता अटल थी, लेकिन जब सरदार काइफू ने हमला किया दिन आया था जिस दिन चाइना के 5 सर्वश्रेष्ठ सेना नायक शाओलिन में अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। काइफू के पास 108 सिपाहियों वाली पलटन थी
और वो सिर्फ 5 सेनानायक थे, लेकिन टाइफू ने 5 वीरों से एक साथ लड़ने की चुनौती दी। वो 5 वीर काइफू के सामने कुछ भी नहीं थे। उसके बाद काइफू ने असली रंग दिखाया। उसने शाओलिन को एक चुनौती दी। हर साल न्यू ईयर्स के दिन शाओलिन और काइफू के दल एक प्रतियोगिता लड़ेंगे। अगर 10 साल में एक बार भी शाओलिन का दल जीत गया तो काइफू वापस चला जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमेशा के लिए शाओलिन को काइफू के हुक्म का गुलाम बनकर रहना होगा। हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं कुंग फू सीख के काइफू जैसे महान योद्धा को हराने के लिए, तो हम बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे और अभ्यास इसी वक्त शुरू करेंगे। वैसे कुंग फू के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? चुटकी, राजू, तुम भी। मिंग, फिक्र मत करो, हम कभी लक्ष्य नहीं भूलेंगे। जम के अभ्यास करेंगे कल से, वादा करता हूँ। अब सब ध्यान से सुनो। कुंग फू को प्रेरणा प्रकृति से मिलती है। 16 तरह की प्राथमिक चालें हैं, जो जीव, जंतु, पक्षी, प्राणी से प्रेरित होकर बनाई गई हैं। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले इस तरह खड़े होते हैं। तो चलो सब लोग मेरी तरह खड़े हो जाओ। फिक्र मत करो मिंग, मैं इनकी मदद करता हूँ। भविष्यवाणी नहीं है, तुम्हारी कहानी बहुत सारे बच्चों की मार्गदर्शक होगी।